इधर है सूरज भाई का S1000 RR, इधर मेरा फ्लैश, इधर भूसा एंड डेक्टेनर, मतलब पहला इतना हुली क्यों मारता है तू? मजा आता है जिसको वजह से। ये देखो ये क्या है, ये हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ। सो अभी सुबह को बज रहा है 5:30 और हम ना थोड़ा हाइपर राइड करने के लिए एक्सप्रेस वे जा रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ है सूरज भाई, है मतलब बाइकर सूरज वर्मा, एंड ये भी भैया है जिसके पास भूसा है, एंड हमजा जा रहा है अपना Z900 लेके। सो यही बस ये 4 सुपर बाइक जाएगा एंड और एक बाइक जाएगा जिसमें सोल जाएगा एंड हमजा का भाई जाएगा। सो या बाकी तो हम लोग निकल ही नहीं पा रहे इस डॉग के वजह से, क्योंकि जब भी स्टार्ट कर रहे हैं ना तब वो सामने आ रहा है, यही प्रॉब्लम है। H2 पे बाइट कर दिया, तो ये देखो H2 पे बाइट कर दिया। सो ये छोटा सा ऑफ रोड हम लोगों को मिल गया लद्दाख से पहले इस रिजॉर्ट में। एक्चुअली ये रिजॉर्ट सूरज भाई ने बुक किया है। ये चीज़ है कि फ्यूल तो मेरे को भी चाहिए भाई। भाई ये सूरज भाई आई थिंक आज रुकेगा नहीं, एक के बाद एक गोली मारता ही जा रहा है, मारता ही जा रहा है भाई। इन लोगों के लिए कितना इजी है ना भाई, मेरा तो फटता है ये सब देख के व्हीली, मैं तो डरता हूँ। हाँ प्रैक्टिस में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि मैं पहले सोचता था कि भाई मैं H2 कैसे चला पाऊँगा लेकिन ये देखो देखा, मतलब इसके लिए इजी है, एकदम इजी है, ये पावर व्हीली मारता है। जैसे कि हम घोड़ा बेच के सो रहे थे, लेकिन उसी के बीच में हम लोगों को जगाया गया है कि राइड करना है। ऐसे सोया नहीं है, मतलब तो थोड़ा बहुत वही आँख लगा था एक्चुअली, तो आँख खुलते ही हम लोगों के सामने ये दिखाई दिया BMW S1000 RR, देन फिर 6R, फिर R3, फिर उधर 10R है एंड Z900 है, हायाबुसा कहाँ क्या क्या है समझ में नहीं आ रहा है भाई, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब खिचड़ी हो गया भाई, सब खिचड़ी बेड चाहिए सोने के लिए। हाँ सो बाकी यहाँ पर 1-1.5 घंटा हम रहेंगे, रहने के बाद फिर रूम पे जाके फिर सो जाएंगे, एकदम उठेंगे 12 बजे, ठीक है ना। सो यही प्लान है अभी तक। तो सुबह सुबह एक्चुअली राइड करने के लिए आए एक्सप्रेस वे में। हाँ ये दिमाग में है मेरा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से राइड करना है, तो ज़्यादा हाइपर राइड नहीं करेंगे एंड जितना हो सके आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग भी तो मतलब कम में खुश नहीं होगा ना, तो जिसकी वजह से जितना हो सके मेरे से मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। एंड बाकी सूरज वर्मा का तो व्हीली है ही, क्योंकि उसका सामने का टायर ख़त्म नहीं होता है, पीछे का टायर ही ख़त्म होता है, क्या व्हीली मारता है, बाप रे बाप रे बाप भाई। शुरू हो चुका है रेस, क्या करता है ये, करता क्या है ये, कहना क्या चाहता है ये भाई, हर टाइम पे हुईली 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 हुईली, ये क्या है भाई।
या गाइस, सो फ्रेम देखो एक बार, BMW S1000 RR, सामने 6R, इधर अपना H2, देन 900, फिर 10R, फिर R3 एंड पीछे बूसा। ये मैं खोल के ही रख दिया, बहुत हवा अंदर जाता है, अच्छा लगता है। अभी तो बारिश का टाइम नहीं है, बस चलो भाई, एक सुपर बाइक राइड होगा अभी। मस्त मस्त, लेकिन भाई इन लोगों का एक्सपीरियंस टॉप नॉच है भाई, अलग लेवल का एक्सपीरियंस है इन लोगों का। क्योंकि भाई हर वक्त ये सब रोड मिल रहा है ना, हमारे उधर तो ये सब रोड नहीं है, तो जिसके वजह से ये देखो, ये क्या, ये बंदा अलग ही है भाई, ये अलग ही है। सो आज का लाइनअप, मतलब सामने भी है लेकिन लीडर क्लास, मतलब इनलाइन फोर वाला इधर ही है। सो इधर है सूरज भाई का S1000 RR, इधर मेरा फ्लैश, इधर भूसा एंड 10R, मतलब पहला वाला शेप का 10R। सो क्या शानदार लग रहा है भाई, देखो एक बार फ्रेम, एंड इधर 6R है एंड इधर 900 है। सो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम थोड़ा बैठेंगे क्या? हाँ बैठ जा, हायाबुसा पे बिठा रहा हूँ, बैठ जा, हेलमेट लगा के। बाकी इस हुली का रास क्या है? इतना हुली क्यों मारता है तू? मजा आता है, शांति मिलता है ना, सुकून मिलता है भाई, सारी टेंशन खत्म हो जाती है भाई। मतलब मैं इंडिया में ना गिना चुरा बंदों को देखा हूँ कि प्रॉपर हुली मारता है, उनमें से एक है सूरज। वाह कसम, क्या हुली मारता है, बातों ही बातों में हुली होता है भाई, चाहे वो जंगल हो चाहे वो नॉर्मल रोड हो भाई, क्या ऑसम ऑसम हुली मारता है। थैंक यू सो मच ऐसा हुली दिखाने के लिए। बाकी तो ये S1000 RR एंड सबसे एक राज है जो मैं अभी खोलना चाहता हूँ आप लोगों को। आई डोंट नो किसी को पता है या नहीं,
कि सूरज भाई इसमें भी मतलब अपना एस्टो जो है ना इसमें भी ऑलरेडी हुली मार चुका है कोलकाता में, है कि नहीं? हाँ सो या बहुत प्रॉपर हुली मारा था भाई, प्रॉपर हुई। चलो चलो यहाँ से क्या प्लान किया है भाई? बस फोटो वोटो ले पहले। चलो फोटो लेते हैं एंड उसके बाद और थोड़ा सा चला के फिर घोड़ा बेच के सो जाएंगे। सो गाइस अभी हम चलाएंगे द लेजेंडरी हायाबुसा 2023 मॉडल। यस तो ये हायाबुसा एकदम नया है, मतलब 2024 में ही ख़रीदा गया है क्योंकि इसका नंबर प्लेट भी अभी तक नहीं हुआ है। नया वाला हायाबुसा वाइट में एंड क्या लग रहा है भाई हायाबुसा, लेकिन भाई बहुत बल्कि है, बहुत बड़ा है, ये ह्यूज है, ह्यूज। सो देखो सिक्सर का साउंड देखो एक बार, बाप रे बाप क्या साउंड है भाई। चलो अभी हायाबुसा को चलाते हैं। जिंदगी में पहली बार मैं हायाबुसा चला रहा हूँ भाई, इसमें चाबी नहीं है। क्या सही है हायाबुसा का चाबी? बाप रे बाप ये तो बस उठा लिया मैं, बहुत भारी है ना? बस है ये बस। ये मेरा ग्लव्स किधर है रे? ग्लव्स किधर है मेरा? क्या बोला? हाँ चलो भाई। चलो द लेजेंडरी सुजुकी हायाबुसा जॉन अब्राहम के बाद मैं ही चला रहा हूँ। बाकी इसमें भी पावर है भाई, दो सौ। तो कल हम इसी रास्ते से जाएंगे दिल्ली के लिए एंड आज का दिन तो भाई ऑफ डे है, ऑफ डे, क्योंकि हम लोगों ने इतना चला लिया ना। ये देखो सुबह सुबह 5 बजे जगा है इसको, जगा के फिर बोला कि चल चलते हैं। वैसे तो इसका एक चीज दिखाता हूँ, कलर देखो बालों का, ऑफ एंड हम लोग थोड़ा बैठे हैं, चिल मार रहे हैं इधर क्योंकि हवा बहुत तेज़ है एंड इस हवा की वजह से ना नींद आ रहा है जो बहुत ख़राब है। अभी हम लोगों को बहुत दूर जाना भी है। सो यह बहुत अच्छा लग रहा है भाई, यही होता है लखनऊ डेली लाइफ, मतलब हमारे उधर भी अगर ऐसा एक्सप्रेसवे होता जो कभी नहीं होगा तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन उसके लिए सुपर बाइकर चाहिए जो है ही नहीं हमारे, है कि नहीं? अकेला अकेला मैं विधवा हो गया भाई, सच में हमारे शहर में अकेला अकेला मैं विधवा हो गया भाई, अकेला ही सुपर बाइक है, क्या है, कितना ही घूमू भाई शहर में। सो या यही है मेन प्रॉब्लम मेरा। बाकी एक दिन दो मतलब एक डेढ़ महीने के लिए सूरज भाई को हायर करना पड़ेगा मेरे शहर में, चलो भाई एक दिन। बिल्कुल भाई ऐसे सेम फील जो आपको कोच बिहार में आता है ना, वैसे ही मेरे को मुजफ्फरपुर में आता है, इसलिए मैं पटना में रहता हूँ, पटना में फिर बहुत सुपर बाइक। हाँ मैं तेरा फीलिंग समझ सकता हूँ।
ये चला के देखो एक बार। ये तो फेवरेट है। सॉरी 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 सॉरी, चलो BMW S1000 RR। BMW S1000 RR बॉस, क्या गाड़ी है भाई, क्या गाड़ी है भाई। चलो भाई, सुबह का जो राइड था वो अभी खत्म हुआ। अभी हम जाएंगे होटल पे और देखो पूरा चमक रहा है धूप। सुबह को बज गया 10 एंड या अभी घर मतलब होटल पे जाना है। होटल का डिस्टेंस यहाँ से 38 किलोमीटर ऐसा कुछ है, तो एक्सप्रेसवे पकड़ के ही हम जाएंगे।